क्या हार्दिक पांड्या अपनी 70% प्रॉपर्टी का हिस्सा अपनी बीवी को डिवोर्स के वक्त देंगे? क्या हार्दिक ने जिंदगी भर जो मेहनत करी है उसका 70% अपनी बीवी को अलग होते वक्त मजबूरी में देना पड़ेगा? वेल, हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं है। हार्दिक पांड्या की जिंदगी बीते एक साल में बहुत मुश्किलों में चल रही है। मतलब पहले आईपीएल में खराब परफॉर्मेंस, गुजरात तक वो टॉप पर थे, गुजरात के बाद उनका डाउनफॉल हुआ, वापस लौटे, परफॉर्मेंस जो है वो बल्ले से गेंद से दोनों से गिर गई। इसके बाद जिस भी मैदान में हार्दिक पांड्या खेलने गए, हर मैदान में उनको लेकर बू चल रहा था, बहुत सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हैं, पहले कैप्टन थे, उन्हें छपरी वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्दों से नवाजा गया, उनका मजाक बना। इसके बाद उनकी टीम जो है वो आईपीएल में आखिरी पायदान पर फिनिश करती है। हार्दिक एक कैप्टन के तौर पर मुंबई इंडियंस के हिस्ट्री के बीते 10 साल में सबसे खराब एवरेज वाले प्लेयर होते हैं। इसके बाद खबर आती है कि उनकी बीवी जो है वो उनसे अलग हो रही हैं, और फिर खबर आती है कि उन्हें 70% जो जीवन भर कमाया है वो अपनी बीवी को देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत तेज चल रही हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे जहां पर ये चल रहा है कि नताशा स्टैनकोविक को उन्हें पैसा देना पड़ेगा प्रॉपर्टी में 70%। नताशा स्टैनकोविक और वो सेपरेट हो गए हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं, और बहुत ही जल्द दोनों डिवोर्स के लिए जाएंगे। र्यूमर्स चल रहे हैं कि सर्बियन मॉडल जो हैं उन्होंने हार्दिक पांड्या का सरनेम जो है अपने इंस्टाग्राम से हटा दिया, और अब नताशा स्टैनकोविक पांड्या नताशा स्टैनकोविक हो गई है, ये चल रहा है। फिर ये भी खबर आ रही है कि दोनों ने अपनी तस्वीरें हटाना शुरू कर दिया है। कई सारी खबरें आई कि हार्दिक पांड्या ने अपनी बीवी को 4 मार्च को जब उनका जन्मदिन था तब सोशल मीडिया पर विश नहीं किया और कोई भी तस्वीर नहीं डाली। इनफैक्ट अगर आपने आईपीएल देखा हो तो आईपीएल में भी उनकी वाइफ जो है वो नहीं आई थी। सारे सेलिब्रिटीज की वाइफ जो है वो चीयर करने आती है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या 70% एसेट जो है वो देना पड़ेगा बीवी को अगर वो सेपरेट होते हैं। हार्दिक पांड्या का एक बच्चा भी है, छोटा बच्चा, 4-5 साल का। हार्दिक पांड्या ने नताशा को प्रपोज किया था 2020 में, जनवरी 2020 में, और इन दोनों का बच्चा जो है वो जुलाई 2020 में हुआ था। उसके बाद शादी इन्होंने की, शादी दोबारा वैलेंटाइन में की, बहुत सारा प्यार जो है दिखाने की कोशिश की। हालांकि नताशा सर्बियन मॉडल हैं जो इंडिया में एक एक्टर हैं, बिग बॉस में आए थे, अली गोनी, उनके साथ ओपन रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसके बाद वहाँ उनका ब्रेकअप हुआ और फिर इनके साथ प्यार हुआ, शादी कर ली। लेकिन अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ये 70% प्रॉपर्टी देने वाली बात आ रही है। इस खबर के साथ एक हार्दिक का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें हार्दिक पांड्या ने कहा था कि भाई मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर दूंगा, सारा पैसा, गाड़ी, घर, मैं नहीं चाहता कि आगे कोई आए और मुझे उसे 50% देना पड़े, ये हार्दिक ने कहा था। बट क्या ये वाकई ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो इट्स गुड फॉर हार्दिक पांड्या। लोग कह रहे हैं कि हार्दिक विजनरी हैं जिन्होंने समय से पहले ही अपना भविष्य देख लिया था। लेकिन अगर हार्दिक ने ऐसा नहीं किया है और जो खबर मार्केट में चल रही है कि हार्दिक पांड्या 70% प्रॉपर्टी देना पड़ेगा अपनी बीवी, अपने बच्चे को, तो फिर ये हार्दिक को लेकर टेंशन वाली कहानी हो सकती है। हालांकि हम आपको बता दें कि अब तक ये कहानी जो है ये पक्की नहीं है कि दोनों अलग हो रहे हैं। हालांकि हार्दिक की बीवी जो है वो आज दिखाई पड़ी थी सोशल मीडिया पर अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ घूमते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब इस खबर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। बहुत सारे लोग इसमें हार्दिक पांड्या को दोषी ठहरा रहे हैं, उनके एरोगेंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नताशा को भी घेर रहे हैं, और कई लोगों ने ट्वीट किया, लिखा कि कितना अच्छा बिजनेस है कि आप एक बच्चा पैदा कीजिए एक वेल एस्टेब्लिश इंसान के साथ, उसके साथ शादी कर लीजिए और फिर उसको डिवोर्स दे दीजिए, और सबसे कूल स्टार्टअप जीरो फंडिंग के साथ। ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर चुके हैं। कईयों ने हार्दिक को लेकर सिंपैथी दिखाई है कि हार्दिक ने जीवन भर मेहनत की, कई कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने जिंदगी भर मेहनत की और अब वो वर्स्ट फेज में है। कुछ लोगों ने लिखा कि यार ताउम्र मेहनत करने के बाद आप किसी से शादी करते हो और वो आपको 4 साल में छोड़ दे और आपके सारे पैसे भी ले ले, तो ये कहां तक जरूरी है। कई और लोग थे जिन्होंने लिखना शुरू किया कि यार इस देश में अब शादियां जो हैं वो भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते धीरे धीरे जर्जर होते जा रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां,
बहुत सारे किस्से। लेट्स जस्ट वेट कि हार्दिक पांड्या और नताशा अगर इनमें से कोई भी सोशल मीडिया पर यह बात कहता है। हालांकि ये सच है कि कुछ ना कुछ कहानी है, भले ये दोनों आकर बाद में डिनाई करें, लेकिन सरनेम हटाया गया है, फोटोज हटाई गई हैं, केवल वो फोटोज पड़ी हैं जो बच्चे के साथ हैं, इंडिविजुअल फोटोज हटा दी गई और फरवरी के बाद कोई ऐसी फोटो नहीं है। नताशा IPL में सपोर्ट करने नहीं आई थी, ये भी सच है। और हार्दिक इन दिनों परेशानी से गुजर रहे हैं, इनका एक प्यारा सा बच्चा भी है। क्या कहानी, कितनी कहानी, हमें इंतजार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बातें जो हैं वो हैं, बट लेट्स जस्ट होप कि हार्दिक पांड्या वापस अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो, क्रिकेट में नॉर्मल हो, एंड लेट्स जस्ट होप कि जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने जाए उस वक्त हार्दिक पांड्या पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये असर ना डालें। उनका बच्चा अगस्त पांड्या, लेट्स जस्ट होप कि जो शिखर धवन के साथ हमने दर्द देखा है वो हार्दिक के साथ ना हो। ये बहुत सारी कहानियां, लेकिन ये सच है कि उनकी वाइफ ने फोटोज डिलीट की है, पांड्या नाम जो है वो रिमूव किया है, और ये सारी कहानियां चल रही हैं। लेट्स जस्ट होप। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और इस कहानी को, क्योंकि हार्दिक इज नॉट द फर्स्ट वन, मोहम्मद शमी, शिखर धवन एंड देन हार्दिक पांड्या, तीन तीन कहानियां ऐसी क्रिकेट में आई हैं जहां पर खिलाड़ियों ने मेहनत की, नाम कमाया, बाद में एक मैरिड वुमेन से या कहीं और डेट करने वाली लड़की, ओपन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की से शादी की, और बच्चा होने के बाद उनकी क्रिकेटिंग लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ दोनों काफ़ी हद तक डैमेज हुई। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, प्लीज़ डू कमेंट।